हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज शमी के पेड़ के बारे में और इसके उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि शमी का पेड़ का क्या महत्व है। शमी के पेड़ का संबंध शनिदेव से होता है और यह भगवान शिव का भी प्रिय है, वहीं वास्तु में भी इसे बहुत ही शुभ माना गया है। शमी के पेड़ को घर में लगाने के साथ ही यदि आप इसके कुछ उपाय करके देखेंगे दोस्तों, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। वहीं शनिवार के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और रोजाना शिवजी को शमी का एक फूल या फिर पत्ते अर्पित करने से भोले बाबा की कृपा का भी लाभ मिलता है। ऐसे ही बहुत खास उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ दोस्तों, तो आपको ये उपाय आजमाकर जरूर देख रहे हैं, बल्कि आपको ज़रूर करने हैं ये उपाय, जिससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सके। दोस्तों, शमी के पेड़ की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। शनि की अशुभ दशा में भी शमी की पूजा करना परम फलदायी माना जाता है। शमी का पेड़ घर में लगाना चाहिए और रोजाना शाम की पूजा के वक्त शमी के पेड़ के सामने धूप दीप करने से आपके मन की और आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जो शमी के पौधे पर के हो सकते हैं या शमी के पेड़ के साथ हम कर सकते हैं। अगर आपके साथ काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है मित्रों कि आप धन कमाते तो खूब है लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शमी के पेड़ की पूजा के उपाय करने चाहिए। आपको करना यह है कि शनिवार को सुबह जल्दी उठें और शमी के गमले की रेत में एक सुपारी और एक सिक्का गाड़ दें। आपको ध्यान रखना है, आपको जल्दी उठना है शनिवार के दिन सुबह और शमी के गमले की रेत में, जो गमले में जो मिट्टी है या रेत है, उसमें एक सुपारी और एक सिक्का गाड़ दें। इसके बाद रोजाना 7 दिन तक शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आप भी बचत करना शुरू कर देंगे और आपके पास पैसे ज़रूर ज़रूर टिकेंगे। दोस्तों, अगला उपाय है वो भी आर्थिक समृद्धि के लिए है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शमी के पेड़ को तुलसी के पेड़ के साथ लगाने से आपके घर में समृद्धि बढ़ती है, यानी कि शमी के पेड़ का गमला तुलसी के पेड़ के दाईं ओर होना चाहिए। शाम के वक्त रोजाना तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा लगातार करते रहने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं और धन संबंधी सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। मित्रों, यदि आप पर कर्ज है, आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो भी शमी का उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर किसी का कर्ज काफ़ी समय से चढ़ा हुआ है और आपको काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो शमी के पेड़ का ये उपाय ज़रूर करके देखिए। शनिवार को शमी के पौधे के सबसे निचले स्थान पर काली उड़द और काले तिल चढ़ाएँ। शनिवार को शमी के पौधे के सबसे निचला स्थान जो है, यानी कि जड़ के पास का स्थान, वहाँ पर आपको काली उड़द और काले तिल चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा और कर्ज चुकाने में भी धीरे धीरे आप सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगला उपाय है अच्छी नौकरी के लिए। आप भी यदि अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही, आप अपनी प्रेजेंट नौकरी से खुश नहीं हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और काफ़ी समय से आप अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए शमी का यह उपाय बहुत ही मददगार हो सकता है। मित्रों, शनिवार को शमी का पौधा उत्तर दिशा में लगाएं और उसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन डालकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शमी के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। ऐसा लगातार करते रहने से आपकी मनोकामना, आपको जो शीघ्र ही मनचाही नौकरी की मनोकामना है, उसे पाने में आप सफल हो जाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगला उपाय दोस्तों, जीवन में सुख शांति की जरूरत किसे नहीं होती, हर कोई चाहता है उसका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो, तो ये उपाय जीवन में सुख शांति के लिए बहुत ही कारगर है। जीवन में सुख शांति रहे और परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बना रहे, इससे बड़ा धन जीवन में दूसरा हो ही नहीं सकता। मित्रों, जीवन में सुख शांति पाने के लिए शनि हर सोमवार को शिवजी के मंदिर में
आपको शमी का फूल लेकर जाना है। आपको क्या करना है, जीवन में सुख शांति के लिए हर सोमवार को शिवजी के मंदिर में शमी का फूल लेकर जाना है और इसे बेलपत्र के साथ ही शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं मित्रों, और आपके घर में सुख शांति की स्थापना होती है। देखा मित्रों आपने कि कितने आसान आसान से उपाय मैंने आपको बताए, और शमी का पौधा आपको किसी नर्सरी से मिल जाएगा, आप घर पर लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, और कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी जगह पर शमी का पौधा उगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप पत्ते ले सकते हैं, वहाँ आप दीपक जला सकते हैं, या वहाँ से आप फूल भी लेकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी अपने जरूर कीजिए।